सो वेलकम बैक गाइज। गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं का जो विषय विज्ञान है ना, उसके जो IMP क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट IMP क्वेश्चन है, वो बताने वाले हैं। गाइज इस वीडियो में हमने आपको जो ये थंबनेल दिखाया कुछ इस टाइप से, वो इसलिए दिखा रहे हैं गाइज क्योंकि जो अभी भी आप सर्च करोगे या यूट्यूब में भी चेक करोगे कि क्लास 10th कक्षा 10वीं किसी भी विषय का तिमाही पेपर, यदि आप यूट्यूब में सर्च भी करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो दिख जाएंगी जो मतलब दावा करेंगे कि यही पेपर आएगा आपकी तिमाही के पेपर पे। पर गाइज अभी जो आपका तिमाही का पेपर है ना कक्षा 10वीं का, 11वीं 9वीं 12वीं किसी भी मतलब क्लास का, वो अभी बना भी नहीं है। मतलब कि यदि आपको पेपर 24 सितंबर को है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 22 सितंबर को यूट्यूब पर अपलोड हो सकता है, हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा या किसी भी चैनल में आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइज मतलब अभी आपका जो पेपर है ना, वो अभी आपका पेपर अपलोड नहीं होगा, वो पेपर जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 22 सितंबर को अपलोड हो सकता है, और वो होगा तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइज अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्या कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का IMP क्वेश्चन। और गाइज जो यदि आपका मतलब सोच रहा है कि पेपर अपलोड हो चुका होगा अभी, तो गाइज अभी आपका पेपर अपलोड नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के 1 से 2 दिन पहले आपका पेपर अपलोड हो सकता है, उससे पहले नहीं। ओके गाइज तो करते हैं अभी वीडियो को स्टार्ट। IMP क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिससे आप अपने स्टडी अकॉर्डिंग इसके कर सकते हो, है ना। मतलब IMP क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका मतलब पढ़ाई भी अच्छी रहेगी और आप अच्छे से पेपर भी कर पाओगे। सो गाइज अभी करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको कक्षा 10वीं का जो विषय विज्ञान का कम किया गया पाठ्यक्रम है, यानी कि जो जो सिलेबस आपका तिमाही के पेपर में नहीं आएगा, वो आपको बता देते हैं। सो गाइज विज्ञान के चैप्टर 3 जो है उससे धातु अधातु में 3.4 जो धातु प्राप्ति से धातु परिष्करण तक है, वो नहीं आएगा। चैप्टर 4 में कार्बनिक यौगिक और एथनोइक अम्ल से नहीं आएगा। तो गाइज आपको इतना नहीं पढ़ना, वैसे गाइज बहुत कम ही कम हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ ही पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा कुछ कम नहीं हुआ है ना, जो कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं था पेपर की दृष्टि से। सो गाइज अभी देखते हैं क्वेश्चन IMP क्वेश्चन चैप्टर 1 की। सबसे पहले हम IMP क्वेश्चन देखेंगे। सो गाइज इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, तो किस टाइप की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो गाइज इसका आंसर है आपका जो LPG गैस का दहन है वो एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि एक बार जब मतलब LPG गैस आप जला दोगे तो इसे वापस आप LPG गैस नहीं बना पाओगे, है ना, इसलिए भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। देन गाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, है ना, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जल की बिना चूने से अभिक्रिया, क्योंकि जब आप जल को बुझे हुए चूने पर डालोगे तो वो एकदम से गर्म टाइप का हो जाता है और भाप छोड़ता है ना, तो इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस कारण जो हमारा इसका आंसर होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, है ना गाइस। क्योंकि कपूर का क्रिस्टल कर्दोपातन वो छूटता है, कोई अभिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है, जल का वाष्पीकरण कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन इसमें अभी कुछ अभिक्रिया नहीं होती है। ओके गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 6Fe2, यानी कि आयरन के 2 अणु ऑक्सीजन के 3 अणु, है ना, प्लस 2Al यानी कि 2 एल्यूमिनियम रासायनिक अभिक्रिया जब करते हैं तो एल्यूमिनियम के 2 ऑक्सीजन के 3 और 2Fe के अणु बनाते हैं। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो गाइस ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया है ना, विस्थापन अभिक्रिया है, वो इसलिए क्योंकि इसमें एक जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है फेरस, वो एल्यूमिनियम की जगह ले ले रहा है ना, एल्यूमिनियम फेरस की जगह ले ले रहा है, इस कारण है। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोजन का युग्म तथा ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। मतलब कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का बढ़ना क्या होगा, तो ये होगा अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो गाइस जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके
देन गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। वो है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो आकार में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। देन खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की क्या है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि गाइस इसमें ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है, जब वो टूटता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, उसमें आप देख सकते हो कि सोने और जो प्लेटिनियम है उसको गलाने वाला अम्ल का नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्वा रेजिया। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं, आप इसे याद करना होगा आपको। देन लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों? विकृत गंधिता के कारण। ओके गाइस, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना, मतलब कि जो कि 4 अंकों के या फिर 2 अंकों के भी आ सकते हैं, ये 2 अंक में भी आ सकते हैं और 4 अंक में भी आ सकते हैं। ओके गाइस, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर भी पढ़ सकते हो आप कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है? पदार्थ एक्स का नाम तथा सूत्र लिखिए। ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो इसके आंसर हो जाएगा, पदार्थ एक्स का नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होगा CaO। देन गाइस इसका सूत्र आप देख सकते हो, अभिक्रिया, मतलब ऑप्शन नंबर 2 का आंसर। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ऊष्मा क्षेपीय एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। तो इससे पहले आपने ऑब्जेक्टिव भी देखे थे उसके, अब आप इसका परिभाषा और उदाहरण देख लीजिए। तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, वह ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण CH4+2O2। ओके गाइस, देन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण 2BV और आगे आप देख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, इस कारण ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं को समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर भी गाइस आप देख सकते हो। गाइस बड़े ही शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट आंसर है इसके, मतलब बड़े सिंपल आंसर हैं, और हमने आपको मिनिमम क्वेश्चन भी दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चन से आपके जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हो? उदाहरण देकर समझाओ। तो गाइस आप पूरे इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा और इसका उदाहरण भी याद कर लीजिएगा। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए, उपचयन और अपचयन। तो गाइस जो उपचयन है, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस पदार्थ का उपचयन होता है, अर्थात तत्व या यौगिक एवं ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया उपचयन कहलाती है ना। तो गाइस जिसका एग्जांपल आप देख सकते हो, C+O2 is CO2। देन अपचयन जो है, अपचयन की परिभाषा आप देख सकते हैं, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बड़ा ही IMP क्वेश्चन है, ना सिर्फ क्लास 10th, इसके बाद आपको क्लास 11th 12th इन सारे मतलब की क्लासों में ये कॉमन क्वेश्चन होता है। ओके गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि है वेरी IMP क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है ना, मतलब कि 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे और एक पदार्थ बनाएंगे तो क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि सी एक तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन एक तत्व है, मिलकर इन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 2 तत्व मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, है ना, जो उत्पाद है हमारा, तो ये क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण दीजिए, यह भी बड़ा IMP क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए।
ग्यारह है विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है। एक उदाहरण की सहायता से समझाइए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लो। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के ब्लेन में डुबाया जाता है तो ब्लेन का रंग क्यों बदल जाता है। सो गाइस ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है तो आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अभिक्रिया आप देख लीजिए, उसके बाद रासायनिक समीकरण ये है नीचे। 14 है आपका, दवा की बोतल रंगीन होती है क्यों, इसका आंसर आप देख सकते हो गाइस, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसके बाद हम अध्याय नंबर जो 2 है उसके IMP क्वेश्चन देखेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो। संतुलित रासायनिक समीकरण, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, है ना गाइस। तो इसका आप आंसर देख लीजिए और याद कर लीजिए गाइस, ये सारे सारे 15 जो क्वेश्चन हैं बड़े ही IMP क्वेश्चन हैं, इसे आप ज़रूर याद कीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके गाइस, तो अध्याय 2 की ओर बढ़ते हैं जिसमें टॉपिक है अम्ल क्षार एवं लवण। तो गाइस इससे भी आप हम सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। गाइस यहाँ पर जो लिखा है कि अध्याय से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ तथा 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो वार्षिक के लिए होता है, तिमाही में सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, इसीलिए कोई ब्लू प्रिंट नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है, तो खाने का सोडा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाचन के समय अमाशिक पाचक रसों का मान है, तो 7 से कम, है ना। देन गाइस सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है अम्लराज, ऑप्शन नंबर 4। देन निम्न में से कौन सी प्रकृति से अम्लीय है, तो लाइम जूस, है ना, क्योंकि लाइम नींबू वो तो वैसे खट्टा होता है यानी कि अम्लीय होता है, तो इसका जूस भी क्या होगा, अम्लीय होगा। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा, तो वो होगा टार्ट्रिक अम्ल, है ना। देन गाइस अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटीसिड का उपयोग होता है, यदि आपको मतलब अपच होती है तो आप डॉक्टर से जो दवाई मांगते हो वो भी एंटीसिड की दवाई ही आपको देता है। देन गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 7 का, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आपसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। देन pH स्केल के पारास हैं, तो 0 से 14 पारास है pH स्केल का। अम्ल और क्षार के बीच कौन होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देन गाइस IMP क्वेश्चन में हम 10 और 11 की ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मैथेनोइक अम्ल होता है चींटी के डंक में, आप ज़रूर याद कीजिए इसे। कठोर जल को मृदु जल में करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का। pH का मान होता है अम्लीय वर्षा का 5.6 से ज़्यादा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो वो है बेकिंग सोडा। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो वो होता है आपका एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14 है, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूजक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, वे कहलाते हैं गंधे सूचक, क्योंकि गंध है अम्लीय क्षारीय, तो गंधे सूचक ही कहलाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो खट्टा स्वाद नीरस को लाल कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, है ना। देन अति लघु उच्च प्रश्न आप देख सकते हो, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, और अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस बड़े ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए,
यदि गाइज आपको इसका PDF चाहिए तो आपको इसके PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसकी लिंक मतलब कि आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना होगा, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पर आपको पूरे PDF प्रोवाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखना जाना चाहिए क्यों? दोहराने का सोडा या बेकिंग सोडा का दो उपयोग बताएं। तो दो उपयोग आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, ताजे दूध का pH मान 6 होता है और जो भी आप देख लीजिए 6 है। अभिक्रिया का शब्द समीकरण, तो आपके सामने समीकरण यहाँ पर है। बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा का गर्म करने पर कैसे अंतर करेंगे, तो उसका उत्तर आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। गाइस यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। 8th क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल से क्या समझते हो? प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल को छांटिए इनमें से, तो इसका आंसर आपके सामने है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 9 समझाइए क्यों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन उदासीन है, इसका आंसर आपके सामने है। देन गाइस 10th का उत्तर आप देख सकते हो। अब गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 की ओर, यानी कि धातु एवं अधातु। गाइस इस पे आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा और 4 नंबर के क्वेश्चन भी पूछेगा, है ना। आपको पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चन आने हैं, हमने बता दिया है आपको पहले ही। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, धातु धातु के भौतिक गुण जैसे धात्विक चमक कठोरता, इसके आधार पर आपको अंतर करना है, तो उत्तर आपको सामने है, इसे आप पढ़ लीजिए गाइस। बड़ा IMP क्वेश्चन है, समझ लो कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और 9th, 10th, 11th, 12th आपको हर क्लास में ये क्वेश्चन मिलेगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा, जनरल लाइफ का क्वेश्चन है। देन गाइस धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखिए, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं, है ना, और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, बस इतना लिख देना है आपको, तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। देन और भी आप लिख सकते हो, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा तो इतना सारा, है ना। सक्रिय श्रेणी क्या है समझाइए, तो आपने अपनी बुक में देखा ही होगा, पोटेशियम सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन जो उससे थोड़ा कम होते हैं, लेड और कम होता है, और कॉपर से कम मरकरी का, सिल्वर से कम गोल्ड का, है ना। तो क्वेश्चन आएगा सक्रिय श्रेणी को समझाइए, तो आपको ये पूरा चार्ट बनाना होगा। देन गाइस आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए, यदि क्वेश्चन आता है आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए, तो आप लिखेंगे आयनिक यौगिक के गुण निम्नलिखित हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ओके गाइस। देन अधातुओं का उपयोग लिखिए, तो अधातुओं का उपयोग आपके सामने है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, जैसे अमोनिया निर्माण में, वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए, है ना, इस टाइप से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में विभेद लिखिए, तो गाइस ये जो आंसर है ना, ये आंसर आपको राइट नहीं है, हम पहले बता देते हैं, ये आंसर आपका राइट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको उसमें, इसका आंसर आपको अपनी गाइड से या बुक से ढूंढना होगा, ओके गाइस। क्वेश्चन आप देख लीजिए, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में विभेद, इससे यह पहले हो चुका है ये आंसर शायद, है ना। तो 7th क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए, तो आप पढ़ सकते हो, बड़ा सिंपल है, जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षार के दोनों गुणों को दर्शाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, उदाहरण आप लिख सकते हो, है ना। परिभाषा दिया आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो ऊपर वाली लिखनी है या तो नीचे वाली लिखनी है, ओके, और एग्जाम्पल आपके सेम रहेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, कारण बताइए, जैसे आपका क्वेश्चन है कारण बताइए कि प्लैटिनियम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, तो पहला आंसर आपके सामने है और दूसरे का आंसर आपके सामने है, ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 9th है, किन की व्याख्या कीजिए, तो यदि क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम की सक्रियता श्रेणी घटती जाती है यदि इसको HNO3 में डुबाया जाता है, तो इसकी व्याख्या करें, तो गाइस आपको सिंपल उत्तर डालना है और इस टाइप से लिख देना है कि HNO3 एक उपचायक है, यानी कि ऑक्सीकारक है, इसमें एल्यूमिनियम को डुबाया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, इस कारण की परत एल्यूमिनियम पर चढ़ जाती है, आपको बस इतना लिखना है। 5th क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। देन गाइस 3rd चैप्टर के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5th की ओर। गाइस चैप्टर नंबर 4th का IMP क्वेश्चन हम आपको मतलब आप चेक कर लीजिए अपने सर से या फिर अपनी गाइड परीक्षा देने पे, चैप्टर नंबर 4 का नहीं, अभी हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 का बताने वाले हैं IMP क्वेश्चन। इसमें आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को कैसा रखा गया है, तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार।
और सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक अवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। देन आधुनिक अवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो आप देख सकते हो। गाइस अब आप डायरेक्ट वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। गाइस बढ़ते हैं, इसमें कुछ सही जोड़ी भी हैं आपके लिए, सत्य सत्य भी हैं, तो वो भी पढ़ लीजिए। अति लघुत्ती प्रश्न है, तो अति लघुत्ती प्रश्न आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकेंड है ना, इसके उत्तर भी आपके सामने हैं। बड़े IMP क्वेश्चन हैं, ज़रूर याद कीजिएगा। शॉर्ट आंसर हैं, मतलब बड़े सही आंसर हैं आपके। इन्हीं में से आपके सारे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी आप वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर देख सकते हो। देन गाइस सेवन्थ क्वेश्चन देख सकते हो आप, सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, एट्थ क्वेश्चन है ना। देन गाइस उसके बाद आप तीन नंबर के क्वेश्चन देख सकते हो, तीन नंबर के लिए। उसके बाद गाइस और जो भी क्वेश्चन है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस वीडियो में बहुत ही मेहनत लगी है, और भी वीडियो आपको चाहिए इस टाइप की, तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट IMP क्वेश्चन है इसमें, आप इस वीडियो में आपके लिए। गाइस साथ ही साथ इसका PDF चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, हम सारे के सारे PDF आपको उसमें प्रोवाइड करवा देंगे, और सारे के सारे नोट्स भी आपको उसमें प्रोवाइड हो जाएंगे।